हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। आज हम देखेंगे कि छोले की चटनी या फिर हरे चने की चटनी हम घर पे बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में छोलिया बहुत आसानी से मिल जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसका अचार बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसका हलवा भी बना सकते हैं। पर आज हम देखेंगे कि हम इसकी चटनी कैसे बनाएं, तो आइए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। छोले की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम डालेंगे आधा कप दही। इसके बाद हम डालेंगे 250 ग्राम छोले। अगर आपको ताज़े छोले ना मिले तो आप फ्रोज़न छोले भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे एक हरी प्याज। हरी प्याज के वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों का ही हमने यूज़ किया है। और साथ ही डालेंगे 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच नमक और आधे नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी छोले की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल, पुलाव या फिर पापड़ के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।